अभी आपको बताएं, चीन में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए तिब्बी अमले का मुतबादल रोबोट तैयार कर लिया गया। चीन के वुहान यूनियन अस्पताल में रोबोट मरीजों की देखभाल करने में मसरूफ है। दूसरी जानिब चीन में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस होटल अचानक मुनहदिम हो गया। चीनी यूनिवर्सिटीज के मुहक्किन ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो वायरस का इलाज करने वाले तिब्बी अमले की जिंदगियां बचाने में मददगार साबित होगा। ये रोबोट अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ दिल की धड़कन की रफ्तार रिकॉर्ड करने समेत दीगर सलाहियतें भी रखता है। चीफ डिजाइनर की टीम के पास अब दो रोबोट्स हैं, जिनमें से एक अभी भी यूनिवर्सिटी की लैब टीम के पास है, जबकि दूसरा वुहान यूनियन अस्पताल है, जहां डॉक्टर्स ने उसे इस्तेमाल करने की तरबियत शुरू कर दी है। दूसरी जानब चीन के सूबे ग्वांगझू में करंटीना करा दिया जाने वाला 5 मंजिला होटल अचानक जमीन बोस हो गया है। होटल में 70 कोरोना वायरस के मरीज करंटीना के लिए रखे गए थे। रेस्क्यू टीमों ने 23 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। इमारत गिरने की ताहाल कोई वजह सामने नहीं आ सकी है।